शादी इंग्लिश में आज पहुंचे हुए हैं। यहाँ विकास भाई हैं जो पंडाल बनाए हैं। आप हर साल पंडाल बनाते हैं? जी हाँ, हर साल बनाते हैं पंडाल। हर साल बनाते हैं? जी हाँ। 14 साल से बना रहे हैं लगातार। अच्छा, कितना दिन लगता है आपको पंडाल बनाने में? 3 दिन। 3 दिन लगता है जी। और कुछ साथी हैं? आपका नाम क्या हुआ भैया? बंधु प्रसाद केसरी। तो यहाँ सारा चीज क्या क्या व्यवस्था होता है छठ व्रतियों के लिए? ए टू जेड व्यवस्था यहाँ। ठहरने का भी व्यवस्था किया गया है। चलिए, और कुछ साथी हैं? क्या नाम हुआ भैया आपका? राहुल कुमार। राहुल कुमार जी, ये बताएं कि यहाँ पे जो पंडाल बनी हुई है अरवल में, हम हर जगह घूमे हैं मगर ऐसा पंडाल अभी हम कहूँ नहीं देखे। बिहार में कहीं भी घूम जाइए जी, यहाँ जैसा कहीं नहीं मिलेगा। प्रसाद इंग्लिश हमेशा टॉप होता है और टॉप होता रहेगा जी। आप कहीं भी में, और जो आपका सोन नदी है उसमें क्या क्या तैयारी की गई? देखिए, सबसे पहले सच देखेगा बिहार के जितने भी श्रोता है उनको मेरे तरफ और हमारे संघ के जिगर एंड फिगर की तरफ से ढेर सारा प्यार, नमस्कार, प्रणाम है। छठ एक ऐसा पर्व है जो हम बिहारियों का अभिमान स्वाभिमान बोल सकते हैं उसको। तो छठ का आयोजन निरंतर हम लोग 14 साल से करते आ रहे हैं। ये हमारी 14वीं वर्षगांठ है। इसमें हमारे सभी छोटे छोटे जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं पूरी चार रात जागते हैं। और ये जो आप भव्य दृश्य देख रहे हैं वो सब सारे भाई बंधु, हमारा पूरा गांव का समर्थन, क्षेत्र का समर्थन होता है। इसमें बहुत बड़ा योगदान के हैं तो विकास फूल भंडार का रहा है, जो पिछले 14 साल से अपना सब कुछ निस्वार्थ भाव से काम करते आए हैं। और आज हमारा संघ जो कुछ भी है, हमारे पूरे क्षेत्रवासी और हमारे गांव के जो माननीय व्यक्ति हैं उनके द्वारा है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारा संघ जो था आज से 14 साल बिफोर, वो मात्र 400 रुपये से हमारा संघ का स्टार्टअप था। मात्र 400 रुपये से हमने शुरू किया था। हम बस इस जगह, इसमें बस लाइट लगा हुआ था, लेकिन पूरा गाँव का समर्थन रहा, भरपूर समर्थन रहा। और आज हम लोग तकरीबन 4-5 लाख खर्चा करते हैं इस पूजा में, तो ये पूरे गाँववासी का समर्थन रहा है। धन्यवाद। चलिए घुमा घुमा कर
छठी मैया के होता आगमन, स्वागतम स्वागतम स्वागतम।